Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti.com. कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में इंडिया अलायंस में सहयोगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आ गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना में कोलकाता प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर ममता ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की घटनाओं की याद दिलाकर राहुल पर पलटवार किया। इंडिया अलायंस के एक और सहयोगी दल सीपीआई पर भी ममता ने निशाना साधा है। राहुल ने पहली बार घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की विभत्स घटना में पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपितों को बचाने की कोशिश हो रही है। महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की प्रत दर प्रत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टरों के समुदाय और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है। हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श और ठोस उपाय करना होगा। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूँ। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। राहुल की पोस्ट में स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाए जाने के कुछ ही समय बाद कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब वाम दलों की सरकार थी तो कई जघन्य अपराध हुए और कांग्रेस शासित राज्यों से भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि आपके राज्यों में कितनी घटनाएं हुई, आपने क्या कार्रवाई की है। इसी तरह आपने शासनकाल में गंभीर अपराधों पर सीपीआई सरकार खामोश रही। तब इंटरनेट मीडिया नहीं था तो लोग जागरूक नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने भी कहा कि राहुल गांधी को केंद्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के दौरान महिला सुरक्षा के निराशाजनक रिकॉर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा ममता ने कोलकाता पुलिस द्वारा 90% जांच पूरी करने की बात कहते हुए सीबीआई से अपील की है कि 18 अगस्त तक जांच पूरी करें और दोषियों को फांसी सुनिश्चित करने में मदद करें।